नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चला है दहाड़ का। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने महापर्व के लिए तैयार है। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा और अनुमान इस बात का है कि लोकसभा चुनाव 7 या 8 चरण में कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसी के साथ 2024 के इस महायुद्ध का आगाज भी होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ जहां पर तमाम पार्टीज अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, एक तरफ जहां पर बीजेपी 400 बात की बात करती है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस एकजुटता दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आने लगा है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और राज्यों की लोकसभा सीट पर कौन अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा, तारीखों के ऐलान के बाद नतीजों रुझानों के साथ ये साफ होगा। लेकिन इसके साथ साथ आखिर 2024 का चुनाव किसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, क्या है चर्चा, कुछ सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले वो सवाल आपके सामने रख देती हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि जाति, धर्म या फिर विकास, 2024 का चुनाव किस पर होगा? चुनाव की घड़ी आई, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? हैट्रिक की तैयारी, मोदी की क्या एक और पारी होने वाली है और 2024 में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? एनडीए क्या 400 पार जाएगी? मोदी की गारंटी या फिर विपक्ष की एकता, 2024 में किसका सिक्का चलने वाला है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। तमाम मेहमान अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ रहने वाले हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करती हूँ श्रीवास्तव जी। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद है। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाकी मेहमान भी अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन इन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करती हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दीपक वत्स जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। चलिए बात शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करने वाली है। लेकिन न सिर्फ यूपी सेंट्रिक बात करते हुए मैं इंडिया अलायंस को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि विपक्ष जो बार बार एकता की बात करता है, विपक्ष के पास आज की तारीख में जब चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है तो अपनी मजबूती 400 पार के सामने कैसे रखता है? इसी बीच में सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी आपसे सवाल लूं, उससे पहले दीपक रंजन जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडिया अलायंस और उसकी एकता, 400 पार का नारा बीजेपी देती हुई, एनडीए देती हुई नजर आ रही है, तोड़ क्या है अब जब तारीखों का ऐलान होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है पूर्णिमा आपको सुनने में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। ये 400 पार नहीं बल्कि अब की बार ये 400 हार करने जा रहे हैं, अब की बार ये 400 सीटें हारने जा रहे हैं। मैं बात उत्तर प्रदेश की सिर्फ कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कानून व्यवस्था देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जिस आधार पर हम लोग जनता के बीच में, लोगों के बीच में, उत्तर प्रदेश की महान जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की महान जनता का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है आज की तारीख में, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पेपर लीक प्रदेश बन चुका है। अभी देखा होगा आपने जो परीक्षा होनी थी दरोगा की, आरओ की, आरओ की, उसमें तकरीबन 49,000 करीब, जो 48,000 करीब जो है वैकेंसी थे और करीब 59,60,000 लोग जो है परीक्षार्थी ने उसमें अपीयर किया था। लेकिन उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उन नौजवानों ने, बेरोजगारों ने यह मन बना लिया है कि हमको रोजगार तभी मिलेगा जब हम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस दिन हम बेरोजगार कर देंगे उसी के बाद उनको रोजगार मिलेगा। तो आज की तारीख में जनता ने पूरी तरीके से इनके खिलाफ मन बना लिया है, इनके खिलाफ 2024 में जो आम चुनाव आने वाला है, मैं समझता हूं कल उसका डेट या नोटिफिकेशन भी उसका कल लागू हो जाएगा। तो आज उत्तर प्रदेश के जो भी आप देख लीजिए किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और जब भी परीक्षा होती है तब इनका पेपर लीक हो जाता है। अरे कौन सी इनकी इंटेलिजेंस है, क्या इनकी एलआईयू है, ये कहने को अपने आप को सबसे शक्तिशाली पार्टी बताते हैं, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, डबल इंजन की सरकार, इनका प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, ये दोनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं और अब इंजन इनका काम नहीं कर रहा है।
तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ये झूठ और फरेब और आपकी पार्टी ने इसी बीच में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है सर, और 6 उम्मीदवारों का नाम क्या क्या है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। ये 6 उम्मीदवार है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल वापस उसी पर लौटते हुए, क्योंकि आपने जिक्र तो कर दिया मुद्दों का और आपने कहा कि 400 पार शायद मुझे सुनने में समस्या हुई होगी, मैं तो चाहती हूँ कि सर आप मानने या ना मानने में इसमें समस्या पैदा ना करें बहरहाल, क्योंकि बीजेपी तो यही बार बार ताल ठोक के कह रही है कि यही होने वाला है। सिद्धार्थ जी आपके पास आते हुए, आप क्योंकि तारीखों का ऐलान किसी भी समय, कल की तारीख निश्चित है, समय तय हो चुका है, 7 चरण में मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव हो, 400 पार आधार क्या सर, जनता के बीच किसको लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले मैं दीपक जी को बता दूं कि आपसे कोई सुनने में गलती नहीं हुई, हमारा नारा निश्चित रूप से 400 पार का है और 400 पार के नारे को अगर ये लोग समझने में सुनने में जो भी करना चाहें वो छोड़ें, अब आपके पास खुद का नारा है नहीं, दूसरे के नारे को भी गलत समझ पा रहे हो तो उसमें कोई क्या करेगा। बेसिक सा काम था, उतना ही करना था, वो भी नहीं कर पाए, पर पहराल छोड़िए, वो हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 25 साल का जो विजन है पूर्णिमा जी, वही आधार बनने जा रहा है इस 400 पार का। देश की जनता ने जो एक मूलभूत परिवर्तन देखा है 10 सालों के अंदर, इस देश में जिस प्रकार की रीति नीति चला करती थी, जिस प्रकार की नीतियां देश को कहां से कहां ले जाने का काम कर रही थी, जो फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 पे हमारी इकोनॉमी पहुंची है, जो पूरी दुनिया में भारत का स्वाभिमान बढ़ा है, पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की किरणों से देख रही है, वही कारण है कि ये 400 पार होने जा रहा है। एक सप्ताह में 7 एम्स खुल जाते हैं, 60 साल में 75 एयरपोर्ट बनते हैं और 10 साल में 150 हो जाते हैं, देश में नई वंदे भारत ट्रेन्स आ जाती हैं, देश में लार्जेस्ट रोड का नेटवर्क बन जा रहा है, 30 किलोमीटर से ऊपर की सड़कों का नेटवर्क बन रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, जल से नल मिल रहा है, लोगों के सर पे छत आ रही है, लोगों को सिलेंडर मिल रहा है, यही आधार है कि 400 पार होने वाला है। हाईएस्ट एनरोलमेंट रेशियो है महिलाओं का हायर एजुकेशन में, हाईएस्ट इन 10 सालों में, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रेशियो आया, भारत उसमें भी आगे बढ़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए, यही वो कारण है कि हमारे 400 पार होने जा रहे हैं। देश की जनता हमारे साथ खड़ी है पूर्णिमा जी, आज देश का जन जन कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, एक नेता, एक यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है, इस नई तकदीर से भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, पूरे विश्व पटल पर अपना नाम छोड़ने जा रहा है, यही कारण है कि हम 400 पार हो रहे हैं। ठीक है ईशान त्यागी जी, आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए जल्दी से सभी मेहमानों को मैं कवर करूंगी और उसके बाद ज्यादा समय आप लोगों को मैं दे पाऊंगी। ईशान त्यागी, इंडिया अलायंस मोदी के विरोध में तैयार हुआ और यह बताया गया कि इस बार हम मोदी को हरा कर रहेंगे, लेकिन एक तरफ यहां पर एनडीए 400 पार की बात करता है, मैं इधर जो इंडिया अलायंस है उसकी मजबूती को लेकर, उनकी उस एकता को लेकर बार बार सवाल पूछती रही, ये क्यों महसूस होता है आज जब इस तारीख में खड़े हैं कि जितने भी मुद्दे आपने लाने की कोशिश करी बीजेपी उन मुद्दों पर खेल गई और आप कहीं ना कहीं एक किनारे पर खड़े हुए नजर आते हैं। इनकैश किसने किया, मुद्दा उठाया आपने, लेकिन इनकैश करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। पूर्णिमा जी सबसे पहले तो आप सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जिसने ये बोला, जिसने जिसका अभी तक जो अलायंस है एनडी अलायंस जिसका नाम है नेशनल डाकू अलायंस, वो कितनी सीटों पर लड़ रहा है और उसके जो जो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है और उसके जो साथी हैं वो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं बताइए। उत्तर प्रदेश में अभी तक इनका गठबंधन पूरा फाइनल नहीं हो पाया। सवाल तो मैं आपसे भी नहीं पूछ रही, ये सवाल मैं आपसे भी इसीलिए नहीं पूछ रही क्योंकि इंडिया अलायंस में आप सेकंड लार्जेस्ट नेशनलिस्ट पार्टी होने के बावजूद किस किस स्टेट में सीटों पर कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही सर, तो उनसे क्या पूछूं, उनसे क्या पूछूं ये बताइए, आप खुद कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं सर। पूर्णिमा जी गठबंधन जब होता है तो उसमें सभी पार्टियों को साथ लेके चला जाता है, वन मैन शो नहीं दिखाया जाता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेशनल डाकू अलायंस में दिखा रही है। हमारी जो हमारा जो अलायंस है वो बिहार में सफल हो चुका है, उसमें सीट शेयरिंग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, उसके बाद हमारी महाराष्ट्र में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका बिहार में क्या अलायंस है, वो चिराग पासवान जी को कितनी सीट दे रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में राजभर जी को कितनी सीट दे रहे हैं, वो महाराष्ट्र में कितनी सीट दे रहे हैं शिवसेना वालों को जो उनको तोड़ के ले गए, एनसीपी वालों को जो उनको तोड़ के ले गए, उनको कितनी कितनी सीटें दे रहे हैं, इनसे भी सवाल पूछिए। और आप बताइए मुद्दों की बात करते हैं, चलिए आ जाइए मुद्दों पे आ जाते हैं।
देश में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा स्कैम जो भारतीय जनता पार्टी का कल निकल कर आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए किस तरह से पिछले 10 साल से आप देखिएगा कितनी लूट और उसके बाद डर का जो माहौल बनाया गया है देश में, उसके बेसिस पे जो वसूली करी गई है देश में। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपके पास मुद्दे नहीं थे, मैंने सवाल ही आपसे यही पूछा, मुद्दे बहुत थे लेकिन उन मुद्दों को क्या आप लोग उठा पाए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा सर। आज की तारीख में वो मुद्दे कहाँ नजर आते हैं? लालू प्रसाद यादव मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाते हैं तो पूरा देश भर कहने लगता है कि मैं मोदी का परिवार। इसके अलावा आप सीए कह लीजिए, आपने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन कोई ये क्या कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है सर? एक सुर में सब कह रहे हैं, क्लियर करते हैं कि नागरिकता किसी की नहीं छिनेगी। मैं कह रही हूँ मुद्दे तो थे लेकिन उस मुद्दे को कितनी मजबूती के साथ आपने या आपके अलायंस ने उठा दिया? पूर्णिमा जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप दिखाएंगे तो राहुल गांधी जी रोज उसके बारे में देश में बात कर रहे हैं पिछले 2 साल से। बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में हो गई और राहुल गांधी जी रोज वो मुद्दा उठा रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया और उठाया, उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा में उठाया। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं दे पाएगी, लेकिन राहुल गांधी जी रोज वो मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कैसे हम ठीक करेंगे। नौकरियां लोगों की देश में जा रही है, हम नौकरियां देने की बात कर रहे हैं और ये नौकरियां छीनने की बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र की संपत्ति बनाने की बात कर रहे हैं और ये राष्ट्र की संपत्ति पिछले 10 साल से चाहे वो ONGC हो, चाहे BHEL हो, चाहे LIC हो, उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी हमने कल देखा किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाके भारतीय जनता पार्टी का जो कच्चा चिट्ठा पूरा निकला है कि पहले ईडी CBI इनकम टैक्स से डराओ और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए की, सौ करोड़ रुपए की वसूली कंपनियों से करो। इन्होंने तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ा जो वैक्सीन बनाने का काम कर रही थी कोरोना काल में, उससे भी 50 करोड़ रुपए ले डाले। और उसके बाद मेरे पास पूरी लिस्ट है कि DLF पे 25 जनवरी को रेड हुई, उसके बाद उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। नवयुगा इंजीनियरिंग जिसपे रेड हुई 18 अप्रैल 2019 में, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। यशोदा हॉस्पिटल जिसपे रेड हुई 2020 में, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। उसके बाद जिंदल स्टील जिसपे रेड हुई, कुछ भी देखिए छिपा हुआ नहीं है, वो लिस्ट सबके पास है त्यागी जी, और उसमें बाकायदा सबके नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे रकम लिखी हुई है, डिनोमिनेशंस लिखे हुए हैं, तो उसमें कुछ छुपने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ आपसे फिर वही बात आते हुए कि मुद्दे थे लेकिन मुद्दा उठाया कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड की आज आप बात करें, कैसे आपने मुद्दा उठाया? बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं सर, राजस्थान में आपकी सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार के नाम पर राजस्थान में आपकी सरकार चली गई, तो आप किसी बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं और उसी बेहतर स्थिति में अपने आप को आप बेहतर कैसे कर रहे हैं यही मैं पूछ रही थी। मैं लौटती हूँ सर, अपने सारे काउंटर्स आप तैयार रखिएगा क्योंकि आज आप एक तरफ है और वर्सेस ऑल है ये मान के चलिए। पूरे देश में कहीं नहीं है, ठीक है, अनअकाउंटेड क्राइम है जो रजिस्टर नहीं होता, ठीक है सर। मैं लौटती हूँ आपके पास बृजमोहन श्रीवास्तव जी। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ खास तौर पर, तो महाराष्ट्र में बड़ा एक साथ अलगाव की स्थिति देखने को मिली, पार्टी टूट गई, गठबंधन टूट गया, गुट बन गए, NCP बहरहाल अजीत जी के पास है, लेकिन ऐसे में अब आपके साथी आरोप ये लग रहे हैं BJP पर कि उन्होंने अपने साथियों को खुश नहीं किया लोकसभा चुनाव में, कहते हैं कि विधानसभा में देख लेंगे, अभी हमको लीड करने दीजिए। तो खुश हैं आप गठबंधन से, 400 पार का जो नारा है, आप श्योर शॉट हैं कि BJP NDA उसको हासिल करेगा? निश्चित रूप से हम लोग तो पूरी तौर से इस बात से सहमत हैं कि हमारा NDA 400 से ज्यादा सीटें जीत के आएगा। जहां तक बात आपने जो महाराष्ट्र की है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में हम तीनों दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम तीनों के नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि हम 48 की 48 सीटों की रणनीति बनाए, 48 सीटें जीतने की रणनीति बनाए। हम ये रणनीति ना बनाए कि किसको कितने सीटें मिलेंगी, क्योंकि आज जो देश का मिजाज है वो निश्चित रूप से इस बात को उससे स्पष्ट पता लगता है कि देश के लोग ये चाहते हैं कि देश को एक मजबूत सरकार मिले, एक ऐसा नेता मिले जो खाली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश की इज्जत को बढ़ाने का काम कर सकता हो। और इस कसौटी पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई ऐसा नेता हम लोगों को नहीं दिखता जो इन सारी चीजों को पूरा करता हो। साथ ही साथ आज देखिए, आज देश में हम लोग 1 अरब 45 करोड़ के लगभग हैं,
आने वाले 25 साल बाद हम लोग लगभग 1 अरब 75 करोड़ के आसपास होंगे। प्रश्न ये उठता है कि इन इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन के लिए हम क्या बेहतर योजना बना पाएंगे, किस प्रकार से हम उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करेंगे। इन सारी चीजों पे जब चर्चा होती है तो एकमात्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपना पूरा एक चित्र पूरा अपना त्यागी जी ने सुन लिया होगा कि आपके कोई गिले शिकवे हैं नहीं। मैं मानती हूँ कि उन तक आपकी आवाज ब्रजमोहन जी श्रीवास्तव पहुंच चुकी होगी। त्यागी जी रुकिएगा, आपके काउंटर का भी समय नहीं है सर, रुक जाइएगा जरा। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कंचना जी, इस ओवरऑल सिनेरियो में आ रही हूँ, ब्रजमोहन जी रुकिएगा जरा। कंचना जी, इस ओवरऑल सिनेरियो में एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर हमला बोला मोदी पर, मोदी ने उसका जवाब दिया, पूरा देश एक साथ उनके, बीजेपी एक साथ उनके, मैं कह रही हूँ ठोस रणनीति क्या है। बिहार में तो आप हालत देख ही रही हैं, नीतीश कुमार तो चल दिए उठ के। अब बात आपने चाहे आपने जातिगत गणना की हो या फिर आपने पिछड़ों की बात की हो, वो सारा का सारा तो खिसक गया, उन्होंने भी कर दी वही बात। पूर्णिमा जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था, इन कैश, और सच्चाई यही है कि 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ कैश इन किया है और सिर्फ कैश इन करके पूरे पैसे से दिल्ली से लेकर देश को मार पोस्टर से पाट दिया है। अरे इनके पास रिपोर्ट कार्ड होता 10 साल का तो ये गुमराह थोड़ी ना करते। रिपोर्ट कार्ड है तो बता दो 2 करोड़ नौकरियां हर साल की कहां है, रिपोर्ट कार्ड है तो बता दो 100 स्मार्ट सिटी कहां है, किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई, महिलाओं की स्थिति जो है उन पर क्राइम और अत्याचार कम हुए कि नहीं हुए बता दो। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2022 में 2021 की तुलना में 4% बढ़ा है। देखा नहीं क्या कंचना जी ने? देखा है, बहुत अच्छे से देखा। नहीं क्या किया, उसको उठा के साइड में रख दिया। नहीं, आप जैसे आप कर रही हैं कि अपोजिशन के पास तो कुछ है ही नहीं, वही मैं आपको वही बता तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, आपके क्या पास है? क्या है आप बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, 16,000 करोड़ रुपए पे इन्होंने, अच्छा बोल रहे थे ये जो राम को लाए हम उसको लाएंगे 400 पार जाएंगे। अरे एक बार बोल दो, ये नारे बनारस में लग रहे थे, जो ये नारे बनारस में लग रहे थे, महिलाएं वहां की नारा लगा रही थी कि जो राम को लेकर आए हैं उनको लेकर आएंगे। पूर्णिमा जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, ये और भी नारा लगा दे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, जो चंदा से धंधा किए, जो ईडी सीबीआई से डरा कर कंपनियों से पैसा लूटे, क्या वो उनको देश 400 सीट देने जा रही है? क्या ये झूठ बैठ कर टीवी मीडिया पर बोल सकते हैं, पोस्टर से दिल्ली पूरा पाट सकते हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है कि आज देश की जनता इनसे खुश नहीं, एक भी वादों पर पूरी तरीके से ये सफल नहीं हुए हैं, बस पोस्टर 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 लगाए हैं करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, जो देश की जनता से पैसे। जैसे कि आप सबके ऊपर परफॉर्मेंस बेहतर देने का दबाव है, वैसे ही मेरे पास एक ब्रेक लेने का दबाव लगातार बना हुआ है, लेकिन रमनीश वत्सी एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हो, फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। इस पूरे सिनेरियो में एक तरफ 400 पार और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं पर गठबंधन बना, कहीं पर बात नहीं बनी, ठीक है। मुद्दे क्या क्या है 2024 के जो आपको लगता है कि उसका राइट सिनेरियो तय करेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है जनता के लिए विकास के ही मुद्दे होते हैं, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा करता वही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उससे जनता का कोई वास्ता नहीं है। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है लेकिन जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद फिर आपने रखिएगा। देखिए जनता के लिए, देखिए 2014 में ट्रेन बनाया गया। देखिए कंचना जी रुक जाइए। देखिए 2014 में भी ट्रेन बनाने की कोशिश की गई थी विपक्ष की तरफ से, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। उसके बाद फिर दूसरा देखिए 2019 में चौकीदार चोर है, इस बार आपने मोदी का परिवार, तो ये देखिए देश में ट्रेन कर रहा है, लेकिन लालू यादव मुझे लगता है भस्मासुर साबित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी का परिवार बोल करके पूरे देश को, देखिए पूरे देश की आम जनता जो है वही सबसे बड़ा मोदी का परिवार है, और मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हो गए। मोदी के ऊपर सर नहीं उन्होंने रखा, मोदी के सर पे अपना हाथ नहीं रखा, उन्होंने अपने सर के ऊपर ही हाथ रख दिया है लालू प्रसाद यादव। मुझे लगता है भस्म करने के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद देखिए मोदी के, देखिए जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जनता के लिए राम मंदिर एक मुद्दा पूछा, राम मंदिर हो गया, ठीक है। राजद जल्दी बोलिए, किस हैसियत से मुद्दे बताइए रमनीश जी, मुद्दे जल्दी से, आपने राम मंदिर बोला, दूसरा तीसरा फटाफट से बताइए, ब्रेक ले लो। घोटाला इनके लिए मुद्दा हो सकता है, जमीन घोटाला इनके लिए मुद्दा। तो देखिए मिशन साउथ कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए ये नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री ने लगातार कमान संभाली हुई है। सिद्धार्थ जी अपने काउंटर सामने रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ साउथ
क्या ये बीजेपी मान के चल रही है कि एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए डे वन से प्रधानमंत्री ने आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने जिसके चेहरे पर आप 400 पार का दावा कर रहे हैं उन्होंने पूरा जिम्मा संभाल रखा है, मानते हैं कि दक्षिण कोई ट्विस्ट दे सकता है 400 पार की बात में? देखिए पूर्णिमा जी, हमारे लिए तो बहुत पहले से पूरे देश के कई राज्यों को चैलेंज बताया जाता था। हम तो वो पार्टी थी जो 2 सीटें जीत करके आई थी, देश में हमारे हम चुनाव नहीं जीत पाते थे, प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं थी, पर वहां से करते 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 हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की 2 बार सरकार ने बनाने वाली पार्टी बने। आज हमारे लिए कहा जाता है कि साउथ हमारे लिए चैलेंज है, ये चैलेंज ये विपक्ष के सोचने में हो सकता है। आज अगर देश में कोई एक नेता है जिसकी तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के गुवाहाटी तक अगर समान लोकप्रियता है, अगर देश के कोने कोने में कोई एक हर एक व्यक्ति किसी एक नेता को उतना ही प्रेम करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दक्षिण भारत इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक ऐसी सीट का एक नंबर आपके सामने देने वाला है कि जो ये कहा करते हैं या एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है चैलेंज है दक्षिण भारत में ऐसा है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। 400 पार में एक बहुत बड़ा शेयर निश्चित रूप से दक्षिण भारत का है, जो नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, वेस्ट इंडिया, हर जगह से इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय मिलने वाली है। और यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल का एक जो सफल मैंडेट उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा उसके रूप में होगा। पर मैं 10 सेकंड लूंगा, ये रिपोर्ट कार्ड की बड़ी बात कर रहे थे आपके पैनलिस्ट, उनने कहा कि कुछ करा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो इनके जो 2014 में होता था और आज जो होता है कभी तो जाकर के उसका एनालिसिस करना चाहिए। अगर तब 2014 में पर कैपिटल $3,889 की थी, आज $6,000 की हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 30% पे थी, आज 11% पे आ गई है। 1 GB का डेटा ₹270 में मिलता था, आज ₹10 में मिल रहा है। इन्फ्लेशन आपके समय में तो 12-14% तक गई थी, 8% का एवरेज था, हमारे में 5% का है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 76 GW की थी, आज 181 GW की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूर्णिमा जी $305 बिलियन की थी, आज $596 बिलियन की है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट तब $7 बिलियन का था, आज $22 बिलियन का है। कितनी लंबी फेरिस पढ़ू मैं, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये भारत है। नहीं, आज लेकिन आपकी दुनिया इस बात में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हम पहुंचने वाले हैं। आपने जो आंकड़े रखे हैं उस बात पे कंचना जी को भी हंसी आ रही है और ईशान त्यागी जी का भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन है? ईशान जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर कंचना जी आती हूँ आपके पास। उनको तो हंसी आएगी, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में देखा नहीं, उनको तो हंसी आएगी। ईशान जी, पूर्णिमा जी जिनकी डिग्री पे ही संदेह हो उनकी रिपोर्ट कार्ड को कैसे सही माना जाएगा? तो आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं इनकी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड अगर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है तो आप उसका मजाक मत बनाइए। बिल्कुल नहीं टोका, कभी भारत की काबिलियत को तो सराहेंगे या उसका भी मजाक बनाएंगे? सिद्धार्थ जी एक सेकंड ईशान जी बात मेरे समझने की नहीं है, लेकिन बात मेरे समझने या नहीं समझने की नहीं है। ईशान जी मैं ये कह रही हूँ कि जरा इससे थोड़ा आगे बढ़िए, फिर कह देंगे कि इटली से कोई आया, फिर कह देंगे कि इटली से कोई आया और उसको एक पार्टी की जिम्मेदारी दे दी, फिर आपके नेशनल की क्षमता तो रखिए, फिर आपके क्षमता तो रखिए, फिर परिवारवाद की बात होगी। मैं कह रही हूँ इससे बाहर निकलिए ना सर, फैक्ट्स पर बात करिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि जरा मोटी मोटी बातें कर लीजिए ना आप।